हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय माल्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल अमेजिंग ऑर्गेनिक ट्रिक्स। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑर्गेनिक क्षेत्र में नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों, हमारी नई नई जानकारियाँ अपडेट्स पाते रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से जैविक कीटनाशक बनाया जाता है। दोस्तों, ये नीमास्त्र है, जैविक कीटनाशक। इसके माध्यम से हम अपने खेत में किसी भी तरीके के जीवाणुओं को, जो बैक्टीरिया हो जाते हैं हमारे खेत में, उनको नष्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैं चने की फसल में डालने के लिए जैविक कीटनाशक बना रहा हूँ, जो उसमें इल्लियों का प्रकोप होता है उसको नष्ट करने के लिए मैं इसको बना के अपने खेत में प्रयोग करने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, क्या क्या हमें डालना है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये नीम की पत्तियों और धतूरे के पत्तों और फलों का ये चटनी बनाई है मैंने। इसको मैंने कूट पीस के इसको चटनी बना लिया। देखो किस तरीके से इसको पीस लिया है, पानी के साथ में घोल बना दिया है दोस्तों इसको। ये नीम की पत्तियाँ, ध्यान से सुनिएगा, नीम की पत्तियाँ और धतूरे के पत्ते और फलों का चटनी है दोस्तों। इधर आप लोग ये देख रहे होंगे, ये गौमूत्र है दोस्तों, ये गाय का मूत्र पेशाब है दोस्तों, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये जो आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, ये जो आप जानते होंगे, तो दोस्तों इसको आप जानते होंगे, ये आक का पत्ता है। आक के पत्तों को हमने कूट लिया है और इस तरीके से उसको महीन महीन कर लिया दोस्तों। ये दोस्तों मकोवा है, जो हम लोग हमारे खेतों में खरपतवार के रूप में मकोवा पाया जाता है, उसको हमने कूट लिया दोस्तों। कूट किस तरीके से देखिए, इसकी फली होती है, ये मकोवा है दोस्तों, इसको भी हमने कूट के महीन कर लिया है। ये कुछ नीम की पत्तियाँ और हैं जिनको हमने कूट के महीन बारीक कर लिया है दोस्तों। ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हम इसको अपने इस मटके में डाल के जैविक कीटनाशक जो है, जैसा आप देख रहे हैं, जैविक कीटनाशक का निर्माण करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसको किस तरीके से बनाते हैं आपको प्रोसेस बता रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी नीम की चटनी है दोस्तों, नीम के पत्ते और धतूरे के फल और पत्तियों का जो चटनी बनाएगी उसको इसमें डाल देंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें इसको डाल दिया है। इसको डालने के बाद में फिर इसमें हम ये गाय का पेशाब डालेंगे, इसको गाय का पेशाब इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद इसमें जो हमारे ये जो कूटे पत्ते पड़े हुए हैं, इनको इसमें डाल देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारी की सारी पत्तियों को इसी में हम डाल देंगे दोस्तों। ये देखिए, इन पत्तियों को इसमें डाल देना है। नीम की पत्तियों को, नीम की जो पत्तियां जिसमें लगी होती है डंठल में, उसको डंठल सहित काटना है, डंठल सहित पीसना है, इसको अलग नहीं करना है, इसके साथ में डालना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारी पत्तियां इसी में डाल दी। ये देखिए, इसमें देखिए इस तरीके से डाल दिया है दोस्तों। डालने के बाद में इसको हम लोग हाथ से अपने इसको इस तरीके से इसमें घुमा देंगे अच्छे से, इसको पानी में मिक्स, और गाय का पेशाब और चटनी डाली है उसमें अच्छे ढंग से मिक्स कर देना दोस्तों। हाथ से, किसी डंडे से भी इसको आप कर सकते हैं, हाथ से करेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे इसको हमने किस तरीके से अच्छे ढंग से मिक्स कर दिया है। अब इसमें दोस्तों इसको पानी से पूरा भर देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, पानी लेके मैं आ रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने इस तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी से इसको भर देंगे दोस्तों। ये देखिए किस तरीके से डालना है पानी, देखना अभी दोस्तों। ये देखिए, इसको पानी से भर देना है,
और पानी पड़ेगा इसमें अभी दोस्तों। बस दोस्तों आपको इसमें इतना पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद में उसको अच्छे से और मिक्स कर देना है इस तरीके से। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से हो गया है। ऐसा करने के बाद में ये जैविक कीटनाशक आपका बनने के लिए तैयार हो गया। अब आपको इसको छाया में 8 दिनों के लिए रख देना है, 7 से 8 दिनों के लिए। अगर बहुत जल्दी है आपको तो 5 दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि इसको 7 से 8 दिन छाया में रखना है दोस्तों। धूप में इसको नहीं रखना है, छाया में इसको आप 7 से 8 दिन रख दीजिए और इसको ढक के रखिए दोस्तों। इसको हम लोग इससे ढक देंगे, इसको इस तरीके से ढक देंगे ताकि इसमें कोई हवा बाहर की और कीड़े मकोड़े ना जा सकें और इसको रगदा माटी ना जा सके। इसको आराम से रख देंगे ढक के, और ढकने के बाद इसको दोस्तों छाया में रख देना है। छाया में इसको 7 से 8 दिन रखने के बाद में इसको निकाल के 0.5 लीटर प्रति 16 लीटर में आपको 1 लीटर डालना है, और अगर 8 लीटर की टंकी है आपकी तो उसमें 0.5 लीटर दोस्तों डालना है। आप 16 लीटर की टंकी में इसका 1 लीटर फर्टिलाइज़र जो आपने जैविक कीटनाशक बनाया है इसको आपको 16 लीटर की टंकी में 1 लीटर इसको डाल के अपने फसल में छिड़काव कर देना है दोस्तों। ज़्यादा छोटे पौधों में अगर डालना है तो नीमास्त्र की मात्रा थोड़ी कम कर दें, 1 लीटर से 0.5 लीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 16 लीटर में। और अगर आपके पौधे बड़े हैं, पूर्णतया विकसित हो चुके हैं, तो उनमें आप 16 लीटर की टंकी में 1 लीटर जैविक कीटनाशक डाल करके इसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों रासायनिक कीटनाशकों से हमारे फसलों में और हमारे खेत में दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारा वातावरण भी दूषित होता है दोस्तों। तो कोशिश ये करिए कि जितना हो सके उतना जैविक खेती करिए। जैविक खेती करने के लिए हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, जैविक कीटनाशक और सारी जानकारी जितने भी जैविक क्षेत्र में हैं आपको बनाने की विधि और उनको इस्तेमाल करने के सारे तरीके आपको बताते हैं दोस्तों। तो आप कोशिश यही करिए कि जैविक खेती करना शुरू कर दीजिए, और आसपास के जितने भी आपके लोग हैं, जितने भी किसान भाई हैं, सबको आप बताइए कि जैविक खेती स्टार्ट करें और ये रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव दूर करें, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। इसको बिल्कुल ही त्याग देना है दोस्तों, इसको त्यागने से हमारे देश का उद्धार है। तो हम कुछ पढ़े लिखे लोग ही इसका अगवाकाई करेंगे, आगे रहेंगे, तभी ये काम आगे बढ़ सकता है दोस्तों। तो सभी लोग सहयोग दें और जैविक खेती करना शुरू कर दें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। और हमारा वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और नए नए अपडेट्स पाते करने सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। जय हिंद।